विश्व का नंबर वन जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन, 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो, Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्व ज्ञान अभ्यास, विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8000456779427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, सभी लोग बराबर होकर वन पर आ जाइए। प्रणाम गुरुजी। जय जिनेन्द्र गुरुजी। प्रणाम प्रणाम जी, सभी लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। चलो नौरियंदा हो जाम मोरे नो जाम नो दे जानो हे सो जनो कर रो कर रो मोरे जय। चलो बहुत अहमदाबाद में भी बारिश चल रही है जबरदस्त। आज आखिरी दिन 3 में पावरफुल सिंबल्स आपको सिखाने वाला हूँ, जो सिंबल्स के माध्यम से आप सभी लोग बहुत 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 जीवन के अंदर प्रगति को प्राप्त कर सके। और एक छोटा सा मेडिटेशन करने वाले हैं कि जब हमें कोई भी गाथा का समझ नहीं आए तब हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा करें कि हमारे सभी क्लाइंटों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को उसको राहत दे सके। तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्य जयधर्मोस्त मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धि धना भंडार श्री गुरु गौतम समर ये वांछित फल दाता। अद्भुत भक्तावर की यशोगाथा को समझने के लिए, भक्ति में डूबने के लिए, खास करके ये भक्तावर स्तोत्रों और भक्तावर स्तोत्रों को बनाने वाले आचार्य भगवंत के साथ हमारा सीधा रिश्ता है। खास करके भगवान महावीर स्वामी जी की 20वीं पाठ के ऊपर बराबर आप लोग देख लीजिए, मानतुम श्री महाराज कौन थे, कहां से आए। दो ऐसे हमारे जैन धर्म के अंदर अष्ट प्रभावक, 8 प्रभावक बताए गए, जो वाद भी करे वो भी प्रभावक है। तो ये अष्ट प्रभावक की पूरी जो यात्रा है, पूरी जो साधना है, उस साधना के अंदर मंत्र प्रभावक दो जबरदस्त कोटि के हो गए, मानदेव सुरेश्वर जी महाराज साहेब और मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब। दो नाम लिख लीजिए, मानदेव सूरी और मानतुंग सूरी। 19वीं पाठ और पाठ परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा, ये भक्तामर रिलिंग में आज हम सीखने वाले हैं कि 3 जो बराबर जोरदार जो सिंबल्स है, उस सिंबल्स के माध्यम से हम लोग में कैसे, जैसे मेरे यहाँ कोई भी लोग हीलिंग बुक करवाते हैं तो हम लोग कैसे हीलिंग देते हैं, उसकी सारी प्रोसेस, आप भी दूसरों को कैसे हीलिंग देंगे उनकी सारी प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ, जिसके माध्यम से हर गांव, हर शहर में, बंबई के अंदर एक सेंटर बना, जो सेंटर के माध्यम से आज हजारों लोग स्वस्थ बन रहे, हजारों लोगों के जीवन के अंदर खुशियां बढ़ रही है। तो ये सिंबल्स जो है, एक आकार जो है, जैसे गुजरात के अंदर कहा जाता है कि हाथ ऊंचो करो और गाड़ी में बैसो, उसी प्रकार से ये हमने 3 सिंबल्स बनाए गए हैं, जो 3 सिंबल्स के माध्यम से
आप बहुत सारा काम कर सकते हो, बहुत सारे लोगों, कोई भी व्यक्ति आपको बोले कि हमें अनुभूति करनी है तो आप उनको अनुभूति करा सकते हो। तो ये अनुभूति के लिए, दिव्यता के लिए, भव्यता के लिए ये बहुत इफेक्टिव चीज है, बहुत प्रभावशाली यदि कोई चीज हो तो उसका नाम है ये दिव्य साधना का सरगम। आप ये देखिए, जिसके अंदर प्रथम नंबर का सेल्फ, आप आपकी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करना चाहते हो, ये सिंबल्स के आकार और PDF आपको एप्लीकेशन में से मिल जाएगी। भक्तामर स्तोत्र मंत्र हीलिंग यानी आध्यात्मिक चिकित्सा के शरण में जाने की एक विशिष्ट अवस्था, रोग मुक्त स्वस्थता युक्त जीवन, एक बराबर आप सभी लोग लिख लेंगे। जैन अनुष्ठान का पूरी तरह से आपके परिचय में, जो भी गांव में आप रहते हो, 9 दिन पूरे विश्व के लिए हम संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज सेवा प्रार्थना करते हैं। तो जितने भी लोगों को आप जानते हो उन सभी को बराबर जैन अनुष्ठान की ऑफिस का एड्रेस दे देना है, और जो जो भी प्रॉब्लम है कागज में, प्रॉब्लम उस व्यक्ति की फोटो, वो सभी चीजें आपको हमारी ऑफिस में बराबर 25 तारीख के पहले भेज देना है। 26 तारीख से जबरदस्त कोटि की नवरात्रि की पूजा होगी, 1,00,000 पुष्प से भक्तामर स्तोत्र का महामंगलकारी अनुष्ठान होगा, 26वीं गाथा का, जिसके अंदर सभी लोगों की सभी मनोकामना के लिए प्रार्थना की जाएगी। तो आपको क्या करना है, खाली एक नोट, कागज, पेन और कवर और आपका फोटो, ये कागज के ऊपर एक फोटो साइड में चिपका देना है कि मेरा नाम सुरेश भाई है, मेरा नाम महेश भाई है, मेरा नाम छगन भाई है। मेरी आवाज आप सभी लोगों को बराबर आ रही है? बारिश का थोड़ा सा यहाँ पर मौसम है। सोनाली जी आ रही है, चलो ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज आप कर देना। तो ये खास करके जैन अनुष्ठान का आप पूरा एड्रेस सभी लोगों को आप दे दीजिए। ऐसे जो जो भी लोग हैं जो 1 रुपया भी नहीं खर्चा कर सकते, कोई बात नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे और आपका कार्य संपन्न होता है और उसके बाद आपका मन करता है तो आप जैन अनुष्ठान का सहयोग करो। काम होने के बाद भी आपका मन नहीं करता है कि हमको नहीं देना चाहिए, कोई बात नहीं, आपकी खुशी वही हमारी मुड़ी है। तो नवरात्रि का 9 दिन खास करके आप सभी लोगों को, जितने भी रिश्तेदार है, 100 रिश्तेदार, 50 रिश्तेदार, सबको जैन अनुष्ठान का एड्रेस दे देना है, वहां पर एक लेटर छोड़ दीजिए, जो भी आपका संकल्प है, रोज उनका नाम ले ले लेकर के यहाँ पर पंडित जी आपकी पूजा करेंगे। तो ये नंबर पहली बात हो गई सेल्फ हीलिंग। उनका पहला ये जो पूरी तरह से विधान है, मंत्रों की आराधना के लिए सात्विकता बेहद जरूरी है। सुप्रभा जी, जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया, जय जिनेन्द्र। मंत्र के साथ किया गया हीलिंग भी शुद्ध अध्यात्म है। तो मैंने आपको बोला भक्तामर स्तोत्र की 23 टीकाएं लिखी गई है, बराबर सब लोग नोट कर ले, जीवन में कभी भी आपको मौका मिले तो धीरजलाल टोकर जी ने इसकी बहुत शानदार टीकाएं लिख करके रखी हुई है। आपका यदि स्पीच अच्छा है, आप चाहते हो मेरी वाणी के अंदर जादू है, तो सभी गाथाओं की गाथा 44 है, उसके ऊपर 42 गाथाओं की टीकाएं लिखी हुई है। लास्ट की दो गाथा की एक कहानी है। पाटन के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ, पाटन के से कितने सारे बंबई के अंदर लोग है, और पाटन के अंदर खास करके ये भक्तामर स्तोत्र के हीलिंग के अंदर 4 पार्श्वनाथ परमात्मा के मंत्र है, 3 मंत्र चक्केश्वरी देवी के है, और पाटन की आराधना का विशेष उल्लेख, पाटन के श्रावक श्राविका जितने भी थे वो सभी लोग कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज जी के पास से भक्तामर स्तोत्र की मंत्र दीक्षा लेकर के अत्यंत समृद्ध, अत्यंत धनाढ्य बने।
तो खास करके जब भी आप पूरी तरह से भक्तामर का सेल्फ हीलिंग कर रहे हो तो उसकी विधि रोज आपको आपकी बॉडी को क्लींजिंग करना है। आज भक्तामर गिन लिया, आज अभ्यास कर लिया, कल छोड़ दिया तो उससे काम नहीं होने वाला है। तो डेली सेल्फ हीलिंग रोजे रोज मोबाइल को चार्ज करते हो, उसी प्रकार से मिनिमम 21 दिन की आराधना आपको खास करनी है। आपके सेवन चक्र को खास जो है 3-3 मिनट जब भी आप कोई भी हीलिंग करें तो ये 3 चीजें बेल्ट, घड़ी, टाई और हाथ के अंदर पहने हुए आभूषण बिल्कुल नीचे उतार दे। आरामदायक एवं जो खास करके पवित्र वातावरण है वहां पर बैठे और प्रथम जो सेल्फ हीलिंग के लिए जो नाम है सिद्धम, जो जिन्होंने बहुत पहले हीलिंग के पहले की शुरुआत की प्रार्थना करे, आदिनाथ भगवान का धन्यवाद करे, भक्तामर स्तोत्र की मंत्र शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, जो आपके इष्ट गुरुदेव है उसकी कृपा मुझे मिल रही है, आप भक्तामर हीलिंग किसके पास सीख रहे हो, निकुंज गुरु जी का, तो वो भी मेरे साथ में है, मैं जिन जिन लोगों को हीलिंग दे रहा हूँ मेरे साथ में मेरे गुरु जी की ऊर्जा से मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ और मेरे चाहने वाले वो सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं। फिर आपको संकल्प बोलना है, रूपाबेन आप किसी को हीलिंग देते हैं, रूपाबेन सा सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है बराबर? मेरी जो स्क्रीन है उसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ बहुत बारिश है अभी। रूपाबेन तमने मारो आवाज संभाई छे? ओके, सबका यस आ गया। नेहाबेन तमने हीलिंग नो मतलब खबर छे रूपाबेन सा? नथी खबर? તમે આજે એમને મજા આવી ગયા છો, ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં, યસ। તો બરાબર, આપ લોકો કો જબ જબ ભી જો ભી કાર્ય કે લિયે આપકો હીલિંગ દેના હૈ તો આપકો પતા હોના ચાહીએ કે મેરા સંકલ્પ જો હૈ વો યહ હૈ, મેરા ક્લાયન્ટ હૈ, મેરા દોસ્ત હૈ, તો બરાબર સ્વયં કે લિયે સિદ્ધમ 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 ઓર યે મૂળ મંત્ર ઓમ રેમ શ્રીમ અરહમ શ્રી આદિનાથાય નમો નમઃ और आदिनाथाय नमो नमः के बाद सारी चीजें करने के बाद भक्तामर स्तोत्र और पूरी तरह से रुद्धि मंत्र और 3 बार आज आपको ये अद्भुत सिंबल देखा दिखा रहा हूँ जिसका आपको फोटो ले लेना है और ये अगले 15 दिन तक नवरात्रि में हम जब वापस मिलेंगे उसके पहले तक इसका विशेष अभ्यास करना, ये बहुत चमत्कारी और तुरंत रिजल्ट देने वाला सिंपल से, इसको हवा में आप कर सकते हो, इसको चक्र में कर सकते हो, इसको दूर जो है पूरी तरह से अपने बॉडी को सामने बैठे इसी प्रकार से देखते हुए इसको सभी लोग बराबर फोटो ले लीजिए। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये जो आकार देख रहे हो, दर्शन ज्ञान चारित्र का 3 जो राउंड देख रहे हो, मन वचन काया की जो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए गोल राउंड त्रिकोण और पूरी तरह से एक शक्तिमान स्वरूप, एक शक्तिमान आपका शरीर, इसके साथ में जो जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैं भक्तामर 20 साल से गिन रहा हूं, मैं भक्तामर 25 साल से गिन रहा हूं, और जिसको अनुभव नहीं हो रहा है उनको ये पूरी विधि आप फक्त 7 दिन करिए, आपको तुरंत अनुभव होना चालू हो जाएगा भक्तामर कैसे या कोई भी मंत्र कैसे विधिवत गिना जाए। इनका सेल्फ के लिए, खुद के लिए इनका ये प्रथम सिंबल है। ये सिंबल का ये खुद के लिए सिद्धम सिंबल से बराबर लिखिए, सिद्धम सिंबल
यानी स्वयं के लिए, सेल्फ के लिए। अब आप चाहते हो कि मेरे पति को मैं ऊर्जावान बनाना चाहता हूं, तो उनको बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग। आपकी बहन जो है वो अमेरिका, लंदन, जापान, विश्व के कोने कोने के अंदर है, बंबई में है, सूरत में है, कहीं पर भी है, आप अपने घर पे बैठे बैठे आपने जो सामायिक किया है, आपने जो प्रतिक्रमण किया है, आपने जो अट्ठाई किया है, आपने 108 नवकार मंत्र की माला गिनी है, और आप चाहते हो कि ये 108 नवकार मंत्र की माला की ऊर्जा, आप बंबई में रहते हो और आपका भाई कलकत्ता में रहता है, तो उसको अनुभव हो, उसका व्यापार बढ़े, उसकी लाइफ में से प्रॉब्लम दूर हो, तो उस वक्त आपको पूरी प्रोसेस को करते हुए पहले सेल्फ हीलिंग दे देना है, और उसके बाद पूरी तरह से बेल घड़ी सब कुछ काटते हुए ये दूसरे नंबर का सिंबल है ओम, यानी पंच परमेष्ठी ध्यान, स्वस्तिक यानी पूरी तरह से मंगल का शुभागम। आप आह्वान कर रहे हो कि मेरे भाई के जीवन में, मेरी बहन के जीवन में, मेरे गुरु महाराज साहब जी के जीवन में, मेरे चाहने वाले के जीवन में आनंद की अभिवृद्धि हो, आनंद का आगमन हो। और तीसरे नंबर के अंदर त्रिशूल, ये सिंबल का एक आकार का नाम है, त्रिशूल का नाम है दूरस्थ खराब शक्तियों से रोकना। बारिश आए तो जैसे छाता आप खोलते हो, तो शुरुआत ही आपने प्रार्थना कर दी, आदिनाथ भगवान के पास दिव्य ऊर्जा मांग लिया, भक्तामर की शक्ति मांग लिया, गुरुजनों का आह्वान करते हुए डिस्टेंस हीलिंग के लिए मन में आपको बोलते रहना है ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। और उसके बाद सामने वाले व्यक्ति को जिस ऊर्जा के लिए जरूरत है वो ऊर्जा आपके भीतर में से ट्रांसफर करना है। ये चित्र बराबर आप ध्यान से देखिए, और सभी लोग जो डिस्टेंस हीलिंग करते हैं कैसे ड्रॉ करना है वो भी यहाँ पर बराबर प्रॉपर लिखा हुआ है। अपने शरीर की शुभ ऊर्जा ब्रह्मांड के जरूरियातमंद लोगों तक पहुंचाना, सुपर सक्सेसफुल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। इसका सभी लोग बराबर फोटो खींच ले कि आपके अंदर आप कोई भी ऊर्जा, भक्तामर का श्लोक है, आपकी सामायिक है, आपका प्रतिक्रमण है, आपने 900,000 नौकर का जाप किया है, कोई इंसान अंतिम समय में तड़फड़ रहा है, आप घर पे बैठे बैठे किसी को अंतिम नियामना की क्रिया कराना चाहते हो, हवा के अंदर पूरी तरह से इसे ड्रॉ कर देना है। सबसे पहले देखो भित्ती करना है, फिर इसके नीचे सिद्धशिला की दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन आड़ी, और पूरी तरह से चौथी नंबर की लाइन जो सर्कल के साथ लाइन को ड्रॉ करना है, कैसे इस सिंबल को ड्रॉ करना है वो भी पूरा इसका पूरा नीचे नियम नीचे लिखा हुआ है। ये अपने शरीर में से शुभ परमाणु ब्रह्मांड के सारे लोगों को आप भेज सकते हो, तो भेजने का ये लाइसेंस आप मानिए, एक की मानिए, और सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मुझे बहुत आराम हो रहा है। तो कि दूरस्थ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग के लिए उपयोग में आने वाला तत्व, आपके पतिदेव, आपके बच्चे, जो 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 भी लोग घर में कोई दूसरे लोग क्रिया नहीं कर रहे और आपको जब उसको एनर्जी देना है उस वक्त आपको ये डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल उपयोग करना है। सबको बराबर समझ में आ रहा है पहले नंबर का सिंबल कौन सा है, जिनका नाम है सिद्धम। दूसरे नंबर का सिंबल है ओम स्वस्तिक त्रिशूल। अब आप कहीं पर जा रहे हैं जहां पर बहुत बड़ी तपस्या है, जहां पर बहुत हजारों लोग हैं, एक साथ में मल्टीपल लोगों को आप वशीभूत करना चाहते हो, आपका प्रभाव दिखाना चाहते हो, तो कि उस वक्त क्या करें, तो कि उस वक्त के लिए भी गुरु भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने एक बहुत पावरफुल
सिंबल दिया है और खास करके सारे हमारे भक्तामर रीलर के लिए जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए प्रत्येक मनुष्य ये तीसरे नंबर का एक आकार, तीसरे नंबर का एक सिंबल, तीसरे नंबर की एक विशिष्ट कोटि की सिद्धि जिनका नाम है अनंत ऊर्जा। जितनी बार दिन में यदि आप आपकी ऊर्जा को संतुलित रखना चाहते हो, जितनी बार आप पानी पीने के लिए खजाओ, जितनी बार पानी पियो, मात्र 30 सेकंड में आप आपके चक्रास को, आप आपके शरीर को, आप आपके भावनाओं को, आप आपके इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। जितनी बार पानी का ग्लास लेते हो, आपकी नजर उस पानी के ऊपर डालना है और एक ही सबसे पावरफुल अफर्मेशन, मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूँ। ये प्रार्थना दिन में 8 बार 10 बार 15 बार करो। मैं सर्व शक्तिमान भक्तामर हीलर हूँ। पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे ग्रुप को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और उसमें आप सफल होना चाहते हो, क्योंकि आपको तो शक्तिमान, आपको तो जनरेटर बनना पड़ेगा, आपको तो पावर सप्लाई करना पड़ेगा, आपको ऊर्जा का एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो आपके भीतर में ऊर्जा की कमी होगी तो आप थक जाओगे, आपकी जो ओरा बैलेंस है वो थक जाएगी, आप अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे और पूरी तरह से आप जो है वो सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो ये आखिरी सिंबल बराबर, इसका भी सभी लोग फोटो ले लेंगे। शुरुआती सारी प्रार्थना करना है आदिनाथ भगवान, जब तक धन्यवाद का भाव नहीं आएगा और जब मैं करूं का भाव का विनाश नहीं होगा, मेरी शक्ति से जब कुछ हो रहा है तब तक रिजल्ट 0 मिलेगा। ये जितना भी अच्छा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ भगवान और मंत्रु सुरेश्वर जी महाराज की कृपा से हो रहा है। खूब ध्यान से देखते हुए ये जो फॉरगिवनेस की प्रार्थना है, सर्वथा सौ सुखी था वो पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष से मुक्त थई ने मुक्ति सुख सहु जग बहो, ये प्रार्थना करने के बाद ये अद्भुत सिंबल बहुत ध्यान से, बहुत कम लोगों को हमने ये सिखाया है और दिया है। ये अनंत ऊर्जा आपके शरीर में से जैसे वाईफाई निकलता रहता है, ऊर्जा निकलती रहती है, हजारों मोबाइल कनेक्ट होते रहते हैं, उसी प्रकार से देखो 1 नंबर जो है वहां से गोल 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 ऐसे राउंड करते 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 6 सर्कल ड्रॉ करना है और जैसे ही 6 सर्कल ड्रॉ हो जाए उसके बाद ऊपर बराबर छोटा सर्कल सप्तमय निवारक। जैसे हम जहां पर है बराबर हमारा मनुष्य लोग, वहां से 7 नरक ऊपर है और 7 ऊपर बराबर 14 राजलोक की पूरी दुनिया बनी हुई है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपके अणु परमाणु से जैसे भगवान का एक एक कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक ब्रह्मांड के सभी जीवों की साता को अनुमोदन करता है, इसका खास इसका नाम है ग्रुप मास हीलिंग। सामूहिक हजारों लोगों को इसके माध्यम से, मैं जब भी शिविर का प्रारंभ करता हूँ ऐसे धीरे से पूरी तरह से 6 बार घुमा के ऊपर राउंड कर देता हूँ, वो सारे शिविरार्थी ऐसे दीवाने हो जाते हैं, ऐसे अनुभूत होते हैं। कल मैंने जो शिविर किया उसमें 60 साल संयम जीवन पालने वाले साध्वी जी भगवान ने साइड में आकर के बोला कि अद्भुत आनंद आया। क्या अद्भुत, 1 घंटे में क्या ऐसा कोई चमत्कार हो गया? ऐसा चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार आप कर नहीं सकते हो, हो जाता है। आपके शरीर में से ऐसी हवा निकलती है कि उनके भीतर में एक आशा का किरण, एक सद्भावना का किरण। तो उसके लिए आप सभी लोगों को अब बराबर कल से जो एक अद्भुत मंत्र आपको दिया हुआ है वो मंत्र की आराधना करना है। वो मंत्र का नाम है ओम रेम श्रीम हर हर स्वाहा। लगभग सभी लोगों का पितृदोष का पूजा हो गई है, 40 से 50 लोगों ने कराई, आपका रह गया है तो बराबर चेक कर ले। पितृदोष का
जूम आईडी डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन में से मिलेगा, किसी को हमने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ नहीं है। 18 तारीख को बराबर खास करके सुबह में 10 से 11:30 बजे अपने सारे पितरों के नाम लेते हुए लिखते हुए उन सभी की मंगल कामना, और इसके बीच में आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ये मंत्र का जाप करेंगे, ये मंत्र की आराधना करेंगे और सारे पितरों प्रसन्न हो, सारे पितरों के असीम आशीर्वाद की प्राप्ति हो, उनकी दिव्य कृपा हमारे पर बरसे, हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर बरसती रहे। उसके लिए हम पूरी तरह से प्रभु के पास मंगल कामना करते करते ये यंत्र सभी लोग ध्यान से देख लीजिए और ये मंत्र भी आप लिख लीजिए। ओम रीम श्रीम हर हर स्वाहा। इनके साथ साथ में एक मंत्र आपको बराबर और लिख लेना है, भक्तामर की हीलिंग। आपके पास बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको पूछ रहे हैं, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो हमें विधान 4 साल से हम सभी लोगों का हीलिंग कर रहे हैं और तुरंत जो जिसका रिजल्ट मिल रहा है, वो मंत्र का वो गाथा का नाम है नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। गाथा नंबर 18 का हीलिंग। अचानक कोई पीड़ा चालू होती है, अचानक कमर की पीड़ा चालू हो गई, अचानक धंधा रोक गया, अचानक कोई भी प्रकार का टेंशन आ गया, अचानक किसी की धमकी आ गई, अचानक कोर्ट मैटर हो गई, कलयुग के अंदर राहु जन्य प्रयोग, राहु जन्य प्रॉब्लम तुरंत क्रिएट होते हैं और तुरंत शांत हो जाते हैं, तो 18वीं नंबर की गाथा की विशेष जाप पूजा आराधना आपको करना है। जो लोग सबसे पहले हमारे लिए बेस्ट गाथा कौन सी है उसका चयन कैसे करें, जो लोगों की समस्या है, क्लास में तो मजा आता है, क्लास के बाद हम भूल जाते हैं, हम कुछ लिखना करते हैं तो भूल जाते हैं, तो उन सभी लोगों को सारी आराधना छोड़ते हुए गाथा नंबर 6 की साधना करनी है। सबसे पहले सरस्वती का साधक बनना है कि आप नोट बना रहे हो तो कभी भी चेका मारना नहीं पड़े, लिखना स्टार्ट करो, पहले अस्खलित धारा से आप लिखते ही रहो, बोलना शुरू करो तो अस्खलित धारा से कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोलते रहो, आपको स्वयं आनंद आए, सुनने वाले को स्वयं आनंद आए, तो उसके लिए गाथा नंबर 6 जो छे। दूसरे नंबर की भक्तामर हीलरों को एक पावरफुल टिप्स आज मैं आपको लिखा रहा हूं। जिन जिन लोगों को अपने घर में संसार के अंदर ये अध्यात्म की बात नहीं है, आप आनंदित परिवार की स्थापना कर रहे हो, आप चाहते हो मेरा बेटा बहू पतिदेव घर के अंदर सारे लोग ना, सारी गाथाओं के मेरे वीडियो अवेलेबल है ही गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप वहां से ले सकते हो। तो ये जिसको भी लग रहा है, तो पहले नंबर का भक्तामर लिंग का नियम, हीलर का नियम है, हूं करू छु ए मानवु ए सर्वनाश से। हर व्यक्ति ऐसा कह मैं कर रहा हूं, जितनी भी दादियां है, यदि आप सर्वश्रेष्ठ समाधि मरण की प्राप्ति करना चाहते हो, जो जो भी दादी है और जो जो भी सासू मां है, जल्दी से जल्दी अपने घर की पैसों की व्यवस्था या तिजोरी का छुड़ा और ये जो सारी जिम्मेदारी अपने बहू को सौंप दो, और बहू को आज पहले चरण में बोल दो कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आपके घर में 80% आनंद आ जाएगा। हर सासू के मन में, हर माँ के मन में यही होता है कि मुझे पूछकर सब कुछ हो, उसी घर में ज्यादा प्रॉब्लम है। तीसरे नंबर के अंदर बहुत बड़ा नियम, आप यदि आनंदित बनना चाहते हो तो आपको तीसरा प्रश्न पूछ करके नवरात्रि के पहले लिखना है कि जगत में शाश्वत सुख क्या है, जगत में पल्लवी बहन शाश्वत सुख क्या है जगत में,
શાશ્વત સુખ કરીએ તો મળે નહી, શાશ્વત સુખ શું છે એવું મેં પૂછ્યું. તીસરા લેસન આપકો યે કરના હૈ બરાબર સભી લોગો કો, ક્યોંકિ હમારા બાર 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 મૂડ સ્વિંગ હોતા રહેતા હૈ, આજ યે ચાહિયે આજ યે ચાહિયે આજ યે ચાહિયે. સબસે પહેલે સુખ કી પરિભાષા મન કી શાંતિ, બહોત બઢિયા, પર વો આતી નહીં હૈ ને. આપકો કોન સા શાશ્વત સુખ ચાહિયે, ફિર સે આપકો મેં બોલ રહા હું, આપકો કોન સા શાશ્વત, નયે કપડે આ જાના વો શાશ્વત સુખ નહીં હૈ, પણ અચ્છા ખાના આ જાના શાશ્વત સુખ નહીં હૈ. ગુડ રિલેશન આનંદ અભી કે લિયે શાશ્વત સુખ તો વૈસે તો મોક્ષ હૈ, પર માન લો કે મેં 60 સાલ 70 સાલ 80 સાલ 100 સાલ જી રહા હું, તો કમ સે કમ 100 સાલ તક કમ સે કમ 80 સાલ તક મેં જિસકો મેન્ટેન કર સકું, વૈસા સુખ કા આપકો શાશ્વત સુખ મોક્ષ હૈ, બરાબર હૈ. તો આપકો બરાબર તીસરે નંબર કી લાઇન લિખના હૈ કે મુજે ઇસ જન્મ મેં જો મેં મેન્ટેન કર સકું, જિસકે લિયે સદા જાગ્રત હું, વૈસા શાશ્વત સુખ કી પ્રાપ્તિ ચાહિયે. और एक बहुत बड़ी धर्म जो है वो ध्रुव धातु में से बना हुआ चीज है. ध्रुव का मतलब होता है धारण करना, धर्म हमेशा धारण करने की चीज है, कभी भी चर्चा करने की चीज नहीं है. किसी के साथ बैठ मत जाना कि ये गाथा से ये प्रभाव होता है, इसी ये गाथा से ये होता है, ये हमारा साहब ये कर रहे हैं, वो हमारा साहब वो कर रहे, जो जो कर रहे हो करने दो, मुझे धर्म को धारण करना है, मुझे धर्म का आचरण करना है, मुझे धर्म की चर्चा करनी नहीं है. और पूरी तरह से तीन चीज, कोई भी घटना के अंदर हमारी मान्यता, हमारा अभिगम और हमारा उद्देश्य, ये संकल्प जो हम लिखा रहे, आज करोड़ों लोगों को पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र गिनने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, करोड़ों लोग रोज नौकार मंत्र गिन के माला गिनते गिनते झोंका खा रहे, करोड़ों लोगों ने संवत्सरी प्रतिक्रमण झोंका खाते खाते किया है, शरीर को घिस घिस कर लेके गए कि भाई संवत्सरी है, चौदस का प्रतिक्रमण करना पड़ेगा तो किया, पर जो आनंद के साथ होटल में बैठे हो और जो बराबर पनीर की सब्जी आई है या आपकी फेवरेट सब्जी आई है, तो वो 7 मिनट 10 मिनट चबा चबा करके 4-5 बार जो सामने वाले बैठे बैठने वाले व्यक्ति को पूछ पूछ के भाई होटल केवी लाएगी, मारे खास आप फेवरेट होटल से, वो हिसाब से इसमें से किसी ने भी प्रतिक्रमण किया हो कि 7 लाख चले मजा आ गया, मेरे आत्मे में से सारे पाप खल गए, अतिचार हुआ मजा आ गया, पूरे साल के पाप खत्म हो गए, जैसे ही शांति का कायोस आया और आवाज आए कि भाई चरोड़ा नो उपयोग करजो, अरे जो उभा थता होय तो मात्र रोबोटिक क्रिया छे. આમાંથી એક પણ વ્યક્તિ એવું બતાવો કે જેને કટાશના વગર પ્રતિક્રમણ કરેલું હોય, બેઠ કે બગર પ્રતિક્રમણ કરને વાલા આરાધક, પ્રતિક્રમણ મેં કભી ભી કટાશના કી જરૂરત નહીં પડતી હૈ, બેઠના હી નહીં હૈ પલાઠી લગા કરકે. તો હમારી જો માન્યતા હૈ, હમારા જો ઉદ્દેશ, ઈશ્વર ઇસીલિયે રિઝલ્ટ નહીં મિલતા હૈ, યહી વો ઇરિયા ભૈયા હૈ કે જો અહિમુત્તા મુનિજો કો કેવલ જ્ઞાન દેતા હૈ. ज्यादा मंत्र गिनने से, ज्यादा पूजा करने से, ज्यादा इधर उधर भटकने से, ज्यादा देवी देवताओं को पूजने से कुछ भी हासिल नहीं होगा. सही विधि के साथ में अल्प क्रिया भी 48 मिनट का ध्यान आपको मोक्ष को प्रदान करता है. तो इसीलिए तीन बात आप लिख लीजिए कि तब आपकी और मेरी मान्यता अलग अलग हो सकती है, आपका और मेरा अभिगम अलग अलग हो सकता है. 14 के दिन यदि आपको लग रहा है कि भाई बराबर लीलोत्री नहीं खाना चाहिए, लीलोत्री को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति बराबर जो है विष्णुकांता नाम की औषधि को तोड़ता है, जाड़पान को तोड़ता है, आप क्या बोलेंगे स्मिता बहन? जाड़पान को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? તમે અનમ્યુટ થઈ ગયા છો, બોલો સ્મિતાબેન. તમે 14 ના દિવસે ઘરે ખાસ કરીને આજે કઠોળ બનાવેલું છે, બરાબર કોઈ લીલોતરીને સ્પર્શ કરતા નથી,
नहाने की भी गए तो दो चार पग्गे से स्नान कर लिया, कोई मुझे ज्यादा पानी भी नहीं डालना है, बोलो। और एक व्यक्ति जमाजम जो है औषधियों को तोड़ रहा है, वनस्पति को तोड़ रहा है, दोनों में से आराधक कौन है? वनस्पति को तोड़ने वाला आराधक है या जो व्यक्ति लीलोत्री नहीं खा रहा है, कम पानी से स्नान कर रहा है? लीलोत्री नहीं खा रहा है वही तो आराधक रहेगा ना। मैं आपका अभिगम क्या है, आपको क्या दिख रहा है? हमारा जवाब क्या होगा? ऐसे कोई भी प्रश्न आपको पूछे तो हमारा जवाब, पल्लवी बहन आपका रश्मिता में अधूरो जवाब से नहीं होना चाहिए, नहीं आपको सीधा ही बोलना हाँ या ना? ना है सुना लीलोत्री जड़पान ना तोड़े 14 से पत्ती थी जड़पान ना तोड़े बराबर छे अधूरो जवाब। ओके आराधना बेन पटेल क्या लिखा है? औषधि को तोड़ने वाला सो औषधि रसु को जा रहा था। मैं तुमसे क्या मांगो छो गुरुजी? આમ તો જળ લીલોત્રી નો ત્યાગ જ કરવાનો હોય, પણ એવી ઔષધિની જરૂર પડે આપણને કે જેનાથી કોઈની જાન બચતી હોય, તો એ ઔષધિનો પ્રયોગ કરનાર વાળો જ વધારે એ કહેવાય ને? એકદમ સાચો જવાબ આરાધના બેને આપેલો છે, ઇસમે આપ સભી લોગ સમાન લો, ઇસમે આરાધના બેને બહોત સૂઝબૂઝ કે જબ તક હમે ઉદ્દેશ્ય કા પતા નહીં હો। सिंपल भाई बहुत शानदार जवाब। जब तक आपको उद्देश्य का, यदि वो औषधि किसी के मृत के लिए काम आ रही है, जिंदा करने के लिए काम आ रही है, कोई चतुर्दशी के दिन स्पेशल नक्षत्र चल रहा है और उस औषधि से भगवान का महाअभिषेक करना है, ये जो हम फटाफट 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 हमारा स्टेटमेंट दे देते दे, ये धर्मी ये अधर्मी ये पापी ये पुण्यशाली ये महात्मा ये डाकू, जब तक आपको आप उद्देश्य का पता नहीं हो तब तक आप कोई भी जजमेंट देते हो तो सर्वथा गलत साबित होता है। शास्त्र ये कहता है शायद आपने लीलोत्री नहीं खा करके जो पुण्य कमाया है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य वनस्पति को तोड़ने वाले ने कमाया है, क्योंकि उसका भाव जो था वो प्रभु भक्ति का था, उनका भाव जो था वो पूरी तरह से लोगों को बचाने का है। तो उद्देश्य को जाने बगैर दो लाइन आप बराबर जिंदगी में आनंदित होना है। आंख के आंख से देखा हुआ चीज भी, कान से सुनी हुई चीज भी गलत हो सकती है। महाभारत का जो युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर पांच पांडव जा रहे थे, ईशान मंगला ऐसा मार्वल को घिसाया था और पूरी तरह से पांच पांडव जा रहे थे और उनको ऐसा लगा कि आगे तो पानी होगा, और उन्होंने अपने धोती उनके जो कपड़े थे कपड़े ऊंचे कर दिए, पैर ऐसे छलांग करके लगाया, और उस वक्त सामने वो रानी खड़ी थी और उन्होंने बोल दिया कि आंधड़ा ना छोकरा, एक शब्द जो है पूरे महाभारत का जिन्होंने सर्जन कर दिया। पानी दिखने वाला चीज भी मार्बल था, लेकिन चीज दिख क्या रही थी? या पानी होगा हम गीले हो जाए कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो खास करके भक्तामर हिलिंग का आराधना, भक्तामर हिलिंग की साधना, और एक आखिरी दृष्टांत देकर के आज यहाँ पर समापन कर रहा हूं। 17 लोग अभी विनर के लिस्ट में है जो 5 दिन से सख्त सही जवाब दे रहे हैं, और मैक्सिमम ग्रुपों के अंदर आपको फेसबुक के अलग अलग ग्रुपों में पोस्ट को शेयर करनी है। आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं वो सभी मोबाइलों के अंदर जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराना है। अभी आपके पास 7 दिन बचे हैं, कौन ऐसे 5 विनर होंगे जिनको अलग अलग 15,000 रुपये का इनाम मिलेगा? वो बराबर 18 तारीख को सुबह में सारे रजिस्टर मेंबरों की पवित्र दोष निवारण की पूजा होगी, उस पूजा में 5 विजेता का नाम घोषित होगा और उनके जो पेटीएम गूगल पे नंबर होगा उनमें 5,000-3,000 से लेकर टोटल जो अपनी 15,000 रुपया प्रभावना राशि है वो पांचों के बीच में बांट दी जाएगी। तो आपके पास 7 दिन है, आप जितना ज्यादा हो सके उन सभी के मोबाइल लेकर के फेसबुक जैन अनुष्ठान का
और यूट्यूब सब्सक्राइब लाइक और ये पोस्ट को शेयर करते रहिए। आखिरी दिन शनिवार की शाम को हम चेक करेंगे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा वह विनर होगा। एक जीवन के अंदर हर व्यक्ति रूसी है। आप लिख लो, आप भी रूसी हो, मैं भी रूसी हूँ। लेकिन रूसी की परिभाषा पूरी कब होती है? एक वागरी का बच्चा रूसी या साधु खाली कपड़ा पहनने से वो व्यक्ति नहीं बन सकता है। वागरी का एक बच्चा सुबह सुबह में रोज उठता है, रोज उठ करके बकरियों की जो लिंडी होती है वो लिंडियों को एकत्रित कर रहा है। उसके पिताजी गुस्सा में आ गया कि तू 16 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, कुछ काम धंधा नहीं करता है, तेरे में तो कोई बुरी तरह से बुद्धि नहीं है, नकामा इंसान है तू। पिता की बात सुनकर के गौ बकरियों को उन्होंने पूरी तरह से खास करके जो लिंडिया एकत्रित कर दी वापस साहिबा ने पिया, जंगल के अंदर चला गया दातरड़ा लेकर के, पूरी तरह से खास करके दातण जो है वाटता रहता है जंगल में, जो बिना काम की वनस्पतियां है वो वाटता रहता है, 2-3 घंटा काम करके वापस घर आ जाता है। रोज जो एरिया के अंदर जाए वहां पर एक तालाब और तालाब के पास में योगीराज बहुत जबरदस्त रूसी बैठे हैं, रोज उसको देख रहे हैं। जिनको भी कम रिजल्ट मिल रहा है, जिनको भी रिजल्ट दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, उन सभी लोगों के लिए यह दृष्टांत है। रोज रूसी उसको देखते हैं और एक दिन रूसी चिंतन में चला जाता है, ये वागरी का बच्चा किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है लेकिन ये मेरे से भी ज्यादा आगे है। मैं भी 5-6 बजे उठता हूँ, उठ करके पलाटी लगा करके बैठ जाता हूँ, सूर्य की आराधना करता रहता हूँ, बैठे बैठे सोचता रहता हूँ कि मैं तो इतना ही करता हूँ। लेकिन ये वागरी का बच्चा रोज सुबह जैसे ही 9 बजता है तुरंत वो आ जाता है, दातण को वाटता रहता है और अपने कार्य करके घर पे चला जाता है। ये कहानी के सारांश के अंदर नीचे अर्थ में लिखते हैं कि वो स्वयं साधु ने उस वाघरी के बालक को अपने मनस्थ गुरु बना दिया। क्यों मनस्थ गुरु बनाया? खाली कपड़ा पहनने से, खाली अलग अलग प्रकार के मंत्र जपने से आप उसी धर्मात्मा नहीं बन सकते हो। जो व्यक्ति नित्य धर्म करता है, धर्म के आगे भी एक बड़ा शब्द लगा हुआ है, उनका नाम है नित्य धर्म, नित्य क्रिया। भक्तामर आपको रिजल्ट कम ज्यादा क्यों दे रहा है कि आपको अभी नशा है तो आप बराबर जाप करेंगे, कल नशा छूट जाएगा, कल गाथा बोलना छोड़ कर देंगे। नित्य धर्म और नित्य क्रिया करने वाले व्यक्ति को ही जीवन के अंदर सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और हमारा शास्त्र कहता है कि हमसे छोटा व्यक्ति, हमसे जीवन के अंदर कभी गरीब दिखने वाला डाउन है, फिर भी यदि उनका गुण पावरफुल है कि इतने बड़ा योगी होते हुए मैं इतना बड़ा योगी हूँ, फिर भी मेरी तो नित्य क्रिया कोई अभी तक फिक्स नहीं हुई है, लेकिन मेरे से भी बढ़कर यदि कोई तत्व है तो वाघरी का बच्चा है। नो जैसे ही बचता है उनका कार्य है दातण को साफ करना, दातण को तोड़ना। तो जीवन के अंदर रियल गुरु से भी पावरफुल गुरु यदि कोई हो तो उस गुरु का नाम है मनस्थ गुरु। ये आप शब्द लिख लीजिए, बहुत पावरफुल शब्द है। अर्जुन और एकलव्य, अर्जुन ने रियल में गुरु बनाया था इसीलिए कुछ जगह पे वो पूजित बना, लेकिन एकलव्य ने मनस्थ गुरु बनाए थे, मन से मेरा पूरा जीवन समर्पित। और ये तब ही हो सकता है कि कहीं पर भी आपको अच्छी चीज लगे उसका स्वीकार भाव, शत्रु के अंदर भी आपको अच्छी चीज लग रही है और उन्होंने आपका स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन के अंदर विशेष 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 सफलता सिद्धि प्राप्त होगी। तो खास पूरी तरह से 18वीं गाथा की आपके सारे रिश्तेदारों को आप आराधना कराइए, साधना कराइए। और पूरी तरह से एक प्रश्न मैं आज आपको पूछ रहा हूँ, बहुत सारे धार्मिक लोग बैठे हैं, आप इतने चूस हो, इतने पक्के हो, आपने किसी को जलपा बहन आपको जवाब देना है, आपने किसी को बोल दिया प्रणाम, आपने कोई व्यक्ति अजैन व्यक्ति को आपने बोल दिया प्रणाम, कोई व्यक्ति का फोन आए और आपको वो बोले कि भाई प्रणाम आपने बोल दिया है और सामने वाला व्यक्ति बोले जय सिया राम, आपने क्या बोला है? प्रणाम। और सामने वाला व्यक्ति बोलता है जय सिया राम,
तो जय सियाराम हमको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? भाविका जी और अल्पा जी बोलना चाहिए। कौन अनम्यूट थे गयो छे? लाइन सर आपने बोला है प्रणाम और सामने वाला बोलता है जय सियाराम। आपका हो बड़ा नाम और जय सियाराम, क्या जवाब होना चाहिए? भविता जी आवाज आ रहा है मेरी? तो जलपा बेन बोलो, बोलू जो कि न बोलू जो? हाँ तो ना हाँ भाविका बेन में आवाज नहीं मेरी पास आओ तो बराबर। सोनल बेन बोल सकते तो कैसे बोलना है ऐसे खाली? तो अभी मैंने एक टॉपिक निकाला है तो अभी आप सब ना तो बोल नहीं सकते हो कि ना बोलेंगे तो गुरुजी कुछ है बोलवू जो ये कोई नहीं पर धार्मिक लागणी ने आपने दुभावी ना सके એટલે બોલવું કોઈ નહીં પણ ધાર્મિક લાગણી બહુ સરસ તમે જવાબ આપેલો છે। પ્રદીપભાઈ કહે છે જય જીનેન્દ્ર। જય જીનેન્દ્ર તો આપણે ઓપ્શન્સ માં છે તે વાત એટલી ચાલે છે। તમે કહો છો પ્રણામ અને સામે વાળો કહે છે જય સિયારામ। દર્શનાબેન તમે વિદેશમાં રહો છો તો બધી જ કોમ્યુનિટી મળતી હોય છે, તમારી ફ્રેન્ડે તમને કીધું જય સિયારામ, ક્યા જવાબ હોગા આપકા? બોલવું જોઈએ અને હું રોજ એવી મારી ફ્રેન્ડ જોડે કરું છું, એ મને જય જીનેન્દ્ર કહે હું એને જય શ્રી કૃષ્ણ કરું એમ। ખૂબ સરસ, બહુ જોરદાર। ચલો તૃપ્તિબેન, અમારે ડોક્ટર સાહેબ આજ જુડજુ કે બહુત બઢિયા, આપકો આપકે આપકી હોસ્પિટલ કે અંદર બહુત સારે લોગ આયેંગે। જય જીનેન્દ્ર ઓર જય સિયારામ। રોહિણી જી અજમેરા, ऐसे दमादम वाला जवाब, खाली हाँ बोल दिया और हाँ बोलना चाहिए ऐसे नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिक को आप प्रेजेंट करो, क्यों बोलना चाहिए? आपको कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा भाई तुम जैन और जय सियाराम बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही है, तुम मिथ्यात्व कर रहे हो, ये जो बड़े बड़े जो पंडित लोग होंगे बड़े बड़े होंगे वो तो आपको भ्रमित कर देंगे, अरे रे कैसे हम बोल सकते जय सियाराम। लता बेन कोचिंग के अंदर आप जा रहे हो पूजा करने के लिए, पूजा के कपड़े पहने हैं और आपकी दोस्त सामने से मिलती है, आप बोलते हो प्रणाम और वो आपको बोलती है जय सियाराम, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? जय सियाराम प्रणाम। जय सियाराम प्रणाम, वाह सुपर कॉम्बिनेशन। बता दूं आज आपको जीवन के अंदर खास करके नौ तत्व के अंदर 15 लिंग से अलग अलग मोक्ष में जाने की बात बताई, ये आध्यात्मिक बात हो गई। मैं आपको इजी समझा देता हूँ, आपका कोई भी अजैन दोस्त है उन सभी लोगों को आप जय सियाराम बोल सकते हो और जय सियाराम बोलने मात्र से पुण्य भरेगा। आज से आपका कोई भी व्यक्ति जैसे अजैन दोस्त है तो वो व्यक्ति आपको कुछ भी जय श्री कृष्ण बोले जय सियाराम बोले तो आपको एक आपको पावरफुल स्लोगन बता रहा हो, बड़ा हो आपका नाम बोलो जय सियाराम। तो जय सियाराम क्यों बोलना है? क्योंकि जो हम शत्रुंजय महातीर्थ की भक्ति करते हैं वो शत्रुंजय महातीर्थ का 15वां जीर्णोद्धार कराने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। कहां का झगड़ा करोगे, कहां का छोटी सोच को लेकर के आप चलोगे? भगवान का जीवन के अंदर जैसे ही राम का नाम आता है तो हमारे चित्रों के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम का चित्र पूरी तरह से निर्माण होता है। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब ने सौराष्ट्र के अंदर अजैन लोगों को भी दीवाना, बड़े बड़े राजपूत बड़े बड़े दरबार को दीवाना बनाने के लिए रामायण के अंदर संस्कृति का संदेश करके 4 बड़े वॉल्यूम लिखे और सबसे ज्यादा उनके जिंदगी के पावरफुल प्रवचन यदि कोई रहे हो तो उसका नाम था रामायण में संस्कृति का संदेश। तो राम को हम इसलिए नमन करते हैं कि जो तीर्थ को भेटने के लिए करोड़ों लोग लालायित है वो तीर्थ को जमीन से लेकर शिखर तक जिन्होंने जीर्णोद्धार कराया है। अब एक जवाब तो मैंने दे दिया, अब सीता का जवाब को लतिका लपड़े लतिका बेन, सीता को नमन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रीति बेन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो आग में कूद गई उसके लिए नहीं, वो रीजन है तो जो आप वैलिड नहीं है, वो एक अनुमोदनीय काम है कि वो प्रतिभा नारी थी। बीना बेन सा, सुनीता बेन, सीता को क्यों हम नमन करेंगे?
जय सियाराम। भीतर के अंदर प्रत्येक आत्मा को आप जब तक भगवान के स्वरूप नहीं देखते हो तब तक आप भगवान नहीं बन पाते। मैंने बहुत सारे लोगों को अनम्यूट किया है, जिसको भी रीजन बताए वो बिना बेन बताइए क्यों सीता को नमन करना है। प्रीति बेन क्यों सीता को नमन करना है? पवित्र थी ये, वो सब तो कॉमन चीज है, ऐसे नहीं, एकदम धमाके वाला जवाब चाहिए, मगा जिल जाए। पवित्र तो हम सब भी, मैं भी पवित्र हूँ, आप भी पवित्र हो, पवित्र का हो तो ठीक है, लेकिन ये तो एकदम ऑपोजिट। हम जैन है और एक हिंदू देवी देवताओं की मैं बात कर रहा हूं, क्यों नमन करना चाहिए बोलो सोनल बेन? अपने धर्म में भी उनका नाम आता है ना, कहाँ आता है बताओ? तो आप कल से उपास में बोलोगे जय सियाराम जय सियाराम, चलेगा? नहीं सियाराम नहीं, वो राम और उनका लक्ष्मण जी का 15वां घाटा में लक्ष्मण जी का वो रिद्धि सिद्धि में भी है। किसमें है? रिद्धि सिद्धि मंत्र पढ़ते 15वां घाटा में, भक्तामर की 15वें श्लोक के अंदर एक एक ये भी है। मैं तो सीता का पूछ रहा हूँ, सीता सीता को क्यों प्रणाम करना है बोलो सुनो। इससे भी आगे की एक चीज, चलो 16 सती के अंदर नाम है वो भी एक चीज है, एक जवाब तो आ गया है, बोलो प्रीति बेन। नहीं गुरु जी नहीं पता, पवित्र है, कम पवित्र है उनके जितना पवित्र शब्द तो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए तो हम नमन, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए। ये जो कुछ लोग झगड़ाने की भावना कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी सोच को जो है डाउन कर रहे हैं, ब्रह्मांड के अणु अणु जो है वो परमात्मा के अंश है, और इसलिए आज आप जवाब लिख लो कि जब भी आप जय सियाराम बोल रहे हो तब आपके मन में भावना लानी है वह ये यही राम है जिन्होंने मेरे शत्रुंजय महातीर्थ का 15वां जीर्णोद्धार कराया है, और ये वह सीता है जिनका 16 सतियों में नाम है, और आवती 24 के अंदर जो साक्षात भगवान बनने वाले। बोलो आप जय सियाराम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? ललिता जी बोलना चाहिए। हाँ बोलना चाहिए, 100% बोलना चाहिए, तो ये उज्जवल इतिहास किसी को भी, हम प्रवचन में भी बैठते हैं, किसी को जाने नहीं जाने उसके अंदर तीर्थंकरत्व को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, गुणों को नमन करते हैं, ये दोनों तो विश्व के परम पूजनीय। तो ये बात मैंने आज इसके लिए बताई कि खास करके अभिगम को, जो सीता मैया है सीता माता है उनका दो विशेष पवित्रता है, सती है, भक्ति है, मैत्री है, समर्पण है, वो तो क्लाइमेक्स कक्षा का उसके अंदर गुण है। तो हर नारी को वंदन तो करना ही है, हर नारी को पूजना है, लेकिन परम पूजनीय का जो कार्य है सीता मैया अगली 24 में, जैसे हम ऋषभ देव आदिनाथ संभवनाथ महावीर स्वामी आदि जो 24 तीर्थंकर भगवान के नाम आते हैं, एम अगले 24 में सीता माता का जीव साक्षात जैन धर्म के अंदर भगवान बनने वाले है। अब बोल सकते हैं उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोच सकते हैं, तो खास करके कोई भी चीज ब्रह्मांड की सर्व चीज उत्तम है, पवित्र है, सदाचारी है, भक्ति मार्गिनी है। जब आपकी ये सोच हो जाती है तो आपको वही रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, ये धर्म ऊंचा, ये बहन ऊंची, ये पंडित जी नीचा, वो जब आप भेद रेखा रखते हो तब तक आप अभेद ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। जगत के सर्व जीव अच्छे हैं, जगत के सर्व जीव मेरे हैं। आइए कमर से डटार बैठते हुए नौपद जी भगवान का ध्यान करते करते ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान, वो चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है, चाहे अन्य प्रकार की अलग अलग प्रकार की कोई भी प्रार्थना है, उन सभी प्रार्थनाओं में से उत्तमता को प्राप्त करते हुए इस सभी महापुरुषों की उत्तमता मेरे भीतर के अंदर आए, भरत का जो है भातृप्रेम है, राम का जो है अपने भाई के लिए पूरी तरह से त्याग और समर्पण की भावना है, वो सभी सभी उत्तम उत्तम जीव चंदन बाला जैसा समर्पण है, पूरी तरह से जैसे मीरा भगवान की दीवानी थी वैसे चंदन बाला का जो चरित्र आता है, सुलसा का जो चरित्र आता है, ये मात्र धर्मलाभ सुनने मात्र से चार अक्षर का शुद्ध अक्षर पूरे रोम रोम के अंदर आनंद को व्याप्त कर देता है, पूरी तरह से सारी भक्ति भाव द्वारा आनंदित
20 तारीख को उमरा के अंदर मेरा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है सूरत के अंदर, करीबन 250 जोड़ों के साथ में हम लोग मणिभद्र महापूजन करा रहे। गणधर का जीव है, कौन सा कौन गणधर का जीव है सिखा जी? तो खास करके सूरत में उमरा में रहने वाले सारे लोग आसो सुदी पंचमी बंधु बेरड़ी माना साहेब जो अयोध्यापुरम के अंदर है, करीबन 9 साल से अभी तक हमने पूरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रिवर फ्रंट अहमदाबाद में जैसे ही रिवर फ्रंट बना 3600 कपल को बिठा करके विश्व के अंदर गणधर का जी ने तीर्थंकर अगले जन्म में अगले 24 के अंदर तीर्थंकर बनने वाला है शिखा जी। तो खास करके उमरा सूरत के लोग सभी लोग खास करके जिनको भी ये मणिभद्र जी का पूजन करना है उमरा जैन संघ के अंदर संपर्क करें। बहुत विशाल पायना में ये हवन नवकुंडी हवन होने जा रहा है, तो वहां पर पांचवी नवरात्रि के दिन हम सभी लोग साधना करेंगे। आंखें बंद, कमर से कट्टर, गहरी गहरी सांसें लेते रहिए, पूरी तरह से नाभि तक आपकी सांसें पहुंचे ऐसा आपका प्रयत्न करते हुए हम लोग पंच परमेश्वरी भगवान का ध्यान का शुभारंभ करते हैं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। ऐसा आनंद आ रहा है, पता नहीं आप सभी लोगों से, बहुत सारे लोगों तो कभी मेरे जिंदगी में देखा भी नहीं है, पर एक अपना परिवार जैसा जो कल्याण मित्र मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर ने पुस्तक लिखी थी कल्याण मित्र, आप सभी लोग हमारी जिंदगी में पूरा एक घंटा जैसे खाली आपको देखते हैं तो हम आनंद से आ जाता है कि चलो इस धरती के ऊपर आज भी बहुत अच्छे लोग चारों तरफ बसे हैं। तो जो जो भी चीज मैंने आपको सिखाई है उसका मैक्सिमम 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 प्रचार प्रसार करते करते हम लोग 18 तारीख को मिलेंगे। एप्लीकेशन में से यंत्र, पूजा सामग्री का लिस्ट, जूम का आईडी, सब कुछ अभी भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया करा दीजिए। बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट में बहुत जिंदगी की बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। सीखा जी आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया, खूब खूब, बस इस आनंद को बांटते रहिए। जैसे गुरुदेव ने मुझे सिखाया मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप हजारों लोगों तक ये खुशियां को पहुंचाते पहुंचाते 18 तारीख को हम लोग करेंगे पूरी तरह से पितृदोष निवारण पूजा। 23, 24, 25 तीन दिन में बंबई के अंदर हूँ। 25 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम
बंबई के अंदर होने जा रहा है। 26 तारीख को अहमदाबाद के अंदर हमारा नया सेंटर का ओपनिंग है और वहां से रोज 10 बजे से 11:30 जितने भी लोग आप जोड़ सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक माता जी का फोटो ले लेना और 1 किलो कंकू, बस 50-200-100-200 रुपए का सामान आ जाएगा। मैं मंत्र बोलता रहूंगा, कोई भी व्यक्ति को आर्थिक तकलीफ है आप एक काम करो कि नवरात्रि में 5-5 लोगों को छोड़ दो, खास उन सभी के जिंदगी में खुशियां आएगी। इतनी दुआ, इतना आशीर्वाद आपको मिलेगा और छोटा सा आपका प्रयत्न, आपकी झोली ईश्वर भर देगा और उसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है। आपकी इच्छा हो, घी है, सुखड़ के लकड़े है, सोने का बरक है, वो सारा सामान आप भेज सकते हो। 15 हमारे पास हवन के लाभार्थी आ गए हैं, वो 15 हवन के लाभार्थी के सारे पैसों से हम ये विशिष्ट अनुष्ठान करने वाले हैं। तो खास मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सभी लोग नवरात्रि की हम आराधना करेंगे, उसके बाद वापस एक आध क्लास हम लेंगे। दिवाली की 5 दिन की मैं आपको सभी को आराधना कराने वाला हूँ। ये यंत्र सारा बराबर आप रेडी करके रखिए, पोटली रेडी करके रखिए, ऐसा इस बार विशिष्ट कोटि का माता जी का आगमन और साधना करके आप सभी का बहुत कल्याण हो, आप सभी का बहुत मंगल हो। और 18 तारीख को उन 5ों जो विशिष्ट लोगों ने जैन अनुष्ठान का शेयरिंग किया है, सही जवाब दिया है, उन सभी का विजेता का नाम भी घोषित करेंगे और उनको इनाम भी पारितोषित देंगे। इसी भावधारा से कुछ भी बोलने में मुझसे गलती हो गई हो, मन वचन गाय करे मिच्छा में दुकड़, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र।